हेलो दोस्तों, सुधीर चौधरी आजकल बहुत चर्चाओं में हैं। वो इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी है, बल्कि इसलिए कि 2016 में उन्होंने एक रिपोर्टिंग करी थी जब नोटबंदी हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि 2000 का जो नोट है उसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी है। एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा, और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि एनजीसी तकनीक कैसे काम करती है। एनजीसी के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, एनजीसी लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें एनजीसी लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। और अब कोई अगर काला धन रखेगा तो वो 2000 का नोट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सिग्नल भेज देगा, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आकर उन पैसों को रिकवर कर लेगा। केबीसी 14 के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट से ये पूछा। तो देवी संजो सामने गुड्डी जी बैठे हैं, तो गुड्डी जी सवाल ये है आपके सामने, इनमें से किस में जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है? ए टाइपराइटर, बी टेलीविजन, सी सैटेलाइट, या डी 2000 रुपए का नोट? सर डी 2000 रुपए का नोट। अरे सर मैं क्या जी, पूरा इंडिया श्योर है। देवी जी आपका उत्तर गलत है, सही उत्तर है सी सैटेलाइट। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा, मजाक तो वो था जिसे आपने सच मान लिया। पर सर न्यूज में तो यही दिखाया था, ये तो उनकी गलती हुई ना। नहीं नहीं, हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवी और सचनो, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, वो पहले जरा टटोल लीजिए। हालांकि अमिताभ बच्चन ने भी शुरू के कुछ साल गुजारे गुजरात में, लेकिन अब वो पिछले 8 साल से मुंबई में ही गुजार रहे हैं। दोस्तों, केबीसी में पूछा गया सवाल सुधीर चौधरी की उसी फेक न्यूज़ की तरफ इशारा था जो सुधीर चौधरी ने 2016 में दिखाया था। इस देश के लोग इतने भोले भाले हैं कि अगर वो टीवी पे कोई चीज़ देख लें या अखबार में लिखा हुआ कुछ देख लें तो वो बिल्कुल आँख बंद कर उस चीज़ पर यकीन कर लेते हैं और वो फैक्ट को चेक करना ही भूल जाते हैं। इस देश के लोगों को दिखने और अपने पढ़ने पर इतना भरोसा है, चाहे वो फेसबुक पोस्ट हो या व्हाट्सएप मैसेजेस, बिना कुछ सोचे समझे ये लोग यकीन कर लेते हैं। सुधीर चौधरी अपने आप को एक सच्चा पत्रकार दिखाते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सुधीर चौधरी और उनके एक कॉलीग ने 2012 में जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी की मांग की थी। कोलगेट मामले में जिंदल ग्रुप के खिलाफ स्टोरी न दिखाने के लिए उन्होंने ये पैसे की मांग की थी, और इसके लिए सुधीर चौधरी और उनके कॉलीग तिहाड़ जेल भी गए थे। आज जो न्यूज़ चैनल पे बैठ के वर्डिक्ट देते रहते हैं, उनको एक बार अपने पास्ट के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग ऐसे न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि शांत स्वभाव से डीएनए करने वाले कंटेंट को ज़रूर वेरीफाई करें। सुधीर चौधरी के ऐसे कई सारे शोज़ हैं जो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 10 जून 2022 को हुए प्रोटेस्ट को सुधीर चौधरी ने लोकतंत्र के खिलाफ बता दिया और ये कह दिया कि ऐसे प्रोटेस्ट लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये एंकर इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि इसको सुनने वालों को लगता ही नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है, और ये एंकर झूठ बोलकर अपनी पिछली रिपोर्टिंग खुद ही भूल जाता है कि पिछली बार उसने क्या कहा था और इस बार वो क्या कह रहा है। सुधीर चौधरी जिस प्रोटेस्ट को ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो उनको जब पद्मावती मूवी रिलीज़ हुई थी तो उस वक्त का प्रोटेस्ट देखना चाहिए था। कभी आप सुधीर चौधरी का शो डीएनए देखोगे तो पहले तो वो ये शो करता है कि उसे सब पता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपना प्रोपेगेंडा शुरू करता है। ये एक बायस पत्रकार है जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाता है। 10 जून का अगर आपने सुधीर चौधरी का डीएनए शो देखा हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों की तरफदारी की गई है और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को आतंकवादी की तरह बताया गया है। हालांकि प्रोटेस्ट कर रहे 2 बच्चों की जान चली गई है, लेकिन सुधीर चौधरी की रिपोर्टिंग में कहीं से कहीं तक उन बच्चों का जिक्र नहीं है। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था उनके घरों को यूपी गवर्नमेंट ने तोड़ दिया है, बहुत सारे लोग डिटेंड हो गए हैं। तो क्या अब इस देश में प्रोटेस्ट करना भी इलीगल हो गया है?
ऐसे चैनल्स के व्यूअर्स से मेरी एक अपील है कि वो ऐसे चैनल्स और ऐसे न्यूज़ एंकर्स को ना सुने और ऐसे नेताओं को भी ना सुने जो सिर्फ़ हिंदू हिंदू या फिर सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। ऐसे नेता सिर्फ और सिर्फ देश में नफ़रत फैलाते हैं। जो एंकर्स पुलिस की तरफदारी करते हैं उनको पुलिस के जातियों को देखना चाहिए कि पुलिस किस तरीके से बेकसूरों पर जुल्म करती है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ की पुलिस गोदी एंकरों को बहुत अच्छी लगती है और जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ की पुलिस गोदी एंकरों को बहुत बुरी लगती है। मैं व्यूवर से एक बार फिर से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को गोदी एंकरों से दूर रखें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।